तो हेलो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे आपके यूपीएस के बीटेक कोर्स के एडमिशन्स के मेथड्स के बारे में। क्या क्या कितने आपके मेथड रहते हैं एडमिशन के, और फिर उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप किस मेथड से आप कैसे एडमिशन ले सकते हो। तो सबसे पहले बता दो, दो मेथड्स होते हैं अगर आपको यूपीएस के बीटेक कोर्स में एडमिशन लेना है। पहला आपका एग्जाम पाथवे और दूसरा आपका नॉन एग्जाम पाथवे। एग्जाम पाथवे मतलब कि आपको यूपीएस का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा और फिर जब वो आप एग्जाम क्लियर कर लोगे तो ही आपकी एडमिशन होगी। और नॉन एग्जाम पाथवे में ऐसा होता है कि आपको एडमिशन मिल जाएगी लेकिन आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ती यूपीएस के। तो दोनों आपको मैं मेथड समझा दूंगा कि क्या क्या इनके क्राइटेरिया है, क्या क्या कैसे पूरा आपकी एडमिशन हो सकती है। तो अगर बात करें एग्जाम पाथवे की, तो उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है, तो आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए क्लास 10th में और मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए क्लास 12th में। दोनों क्लास में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए जो कि आपके बोर्ड्स के क्लासेस हैं दोनों, और प्लस जो 12th में आपने पीसीएम लिया होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या नॉन मेडिकल स्टूडेंट होने चाहिए आप। और अगर हम बात करें अब नॉन एग्जाम पाथवे जिसको हम डायरेक्ट एडमिशन भी बोलते हैं, तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो आपके तीन बेसिस पे आपके एडमिशन हो सकती है। एक तो आपके जेईई मेंस के बेसिस पे, या फिर आपके बोर्ड मेरिट के बेसिस पे, या फिर आपके सीयूटी के बेसिस पे, इन बेसिस आपकी एडमिशन हो सकती है। तो जेईई मेंस की अगर बात करें तो आपके मिनिमम 50% मार्क्स क्लास 10th और 12th में होने चाहिए, प्लस आपके जेईई मेंस में मिनिमम 50% होने चाहिए। अगर उससे ज्यादा है तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगी। और अगर हम बात करें सीयूटी की, तो सीयूटी का भी सेम है ऑलमोस्ट, जैसे आपका 10th 12th में 50% और सीयूटी में भी 50% मिनिमम होने चाहिए आपके। और अगर बात करें बोर्ड्स की, बोर्ड्स मेरिट के थ्रू, तो आपके मिनिमम 80% होने चाहिए आपके क्लास 10th में और 12th में। बाकी सब में पहले आपको 50 था, लेकिन अगर आपको बोर्ड्स के बेसिस पर चाहिए तो आपके बोर्ड्स में मिनिमम 80% होने चाहिए 10th और 12th क्लास में, और प्लस आपका पीसीएम होना चाहिए सब्जेक्ट। तो ये सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया कि क्या क्राइटेरिया अगर आपको एडमिशन लेना है। अब मैं बता दूं आप कैसे एडमिशन ले सकते हो, जैसे डायरेक्ट एडमिशन अगर बात करें तो आप कैसे ले सकते हो। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अगर व्हाट्सएप दे रखा है और प्लस एक टोल फ्री नंबर भी दे रखा है, आप उस नंबर पर चैट या कॉल कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो क्या पूरा प्रोसेस है, प्रॉपरली गाइड कर देंगे और आपकी डायरेक्ट एडमिशन करवा भी देंगे। और अगर कोई भी डाउट हो तो उनसे पूछ सकते हो, तब भी आपको प्रॉपरली गाइड कर देंगे। और मैं बता दूं डायरेक्ट एडमिशन का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है आपको, जो नॉर्मल आप यूपीएस की फीस है वही आपको पे करनी है यूपीएस को, उसके अलावा कोई आपको एक्स्ट्रा फीस नहीं पे करनी है। आपको फॉर्म का, एप्लीकेशन फॉर्म का जो पैसा देना होता है वो भरना है आपको, और जो यूपीएस की फीस है वो पे करनी है। और अगर किसी को चैटिंग कॉल नहीं करनी, तो मैं गूगल फॉर्म में लिख देखा, आप जैसे ही वो फॉर्म फिल करोगे यूपीएस सीट में थोड़ी देर कनेक्ट कर लेगी और प्रॉपरली पूरा समझा देगी और आपकी डायरेक्ट एडमिशन करवा देगी। और अगर किसी को फॉर्म नहीं भरना है, कॉल चैट नहीं करना, डायरेक्ट जो यूपीएस का एडमिशन फॉर्म है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस लिंक पर जैसे क्लिक करोगे आपकी यूपीएस की वेबसाइट खुल जाएगी और एडमिशन ओपन हो जाएगा। वहाँ जाकर फॉर्म फिल कर सकते हो और अपने डायरेक्ट एडमिशन करवा सकते हो। तो सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो।